दोस्तों अभी अभी ये जो पंच मुझ पे पढ़ने वाला था, ये NIS कोच नरेंद्र कश्यप जी थे और इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ये सिखाते हैं बॉक्सिंग। जी हाँ, बॉक्सिंग से बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होगी। याद करिए, हिंदी फिल्म का शायद ही कोई हीरो जिसने बॉक्सिंग नहीं करी हो हीरोइन के लिए, गरीबी में या बदला लेने के लिए। हम आपको याद दिलाते हैं, एक पिक्चर आई थी जानी मेरा नाम। जानी मेरा नाम में तो भाई भाई को बॉक्सिंग से पहचानता है। चलो मारो गोली, हम तो यहाँ बॉक्सिंग की बात करते हैं NIS कोच साहब से, जो कि स्टेडियम यहाँ सिखा रहे हैं और कुछ पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इंदौर में बॉक्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और अभी आप जो फिलहाल करवा रहे हैं उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं? 40 से 50 बच्चे आते हैं जी। वो सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या सोच के आते हैं? माइक टायसन बनेंगे, विजेंद्र सिंह बनेंगे, या जो अली साहब थे उस समय जो बड़े प्रसिद्ध हुए थे? कोई बच्चे मेरी कॉम के लिए आती हैं लड़कियाँ, कोई बच्चे विजेंद्र के लिए आती हैं, कोई लड़कियाँ अखिल कुमार आने वाला है कल हमारे वहाँ, उनको देख के वो प्रेरणा मिलेगी हमको। हाँ चलिए, बहुत सारे बच्चे। अब चूँकि मैंने फिल्मों का जिक्र इसलिए करा क्योंकि भारतीय फिल्म जो है समाज पर असर डालती है, और बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि कुश्ती पे, रेसलिंग पे, क्रिकेट पे, बॉक्सिंग पे पिक्चरें बनने लगी और बच्चों का रुझान बढ़ा है। शायद यही कारण है कि इस फील्ड में जा सके आप देख पा रहे हैं यहाँ बच्चे बड़े हैं। हालांकि बॉक्सिंग जो है, हम बताना चाहेंगे कि सबसे पुरातन खेल है, ओलंपिक के सबसे पुराने, जब एथेंस में शुरू हुआ था तब भी पहला खेल बॉक्सिंग ही था। और भारत में बॉक्सिंग की एक नई परंपरा जो जन्म दिया है 1960-70 के बाद में, जब बॉक्सिंग में बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, तो उनमें कश्यप साहब सर के कोच का भी बहुत महत्व रहा है। इनसे हम खेल के बारे में और जानकारी लेंगे। पहले हम आपको बता दें किस तरह के बच्चे इंदौर में यहाँ इन दोनों प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम बेनीपाल। बेनीपाल जी, आपके बच्चे भी यहाँ आते हैं? हाँ, मेरी पोती आती है। अच्छा, आपकी पोती आती है। क्या सोच के आपने इसको बॉक्सिंग में डाला है? सर, उनके भविष्य के लिए जो भी है कि आगे बढ़े। अच्छा, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल होता है जहाँ पर कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, एक अलग प्रकार का खेल माना जाता है। आपकी पोती ने खुद चॉइस करा है कि आपने उसको कुछ इंक्रीज करा है? नहीं, इसके पापा आए थे। अच्छा, देखा तो इस हिसाब से इनको इधर से। चलिए, हमारे साथ एक पेरेंट्स और। सर आपका नाम बता दें। धीरज बोबड़े। हाँ,
धीरज बोबड़े। धीरज बोबड़े जी, धीरज जी आपकी बेटी भी आ रही है जी। क्या सोच के उसने खेल का चयन करा या आपने उसको प्रेरित करा था? एक्चुअली मुझे इसकी हाइट और हेल्थ काफ़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा, उस हिसाब से इसके लिए ये खेल बहुत अच्छा रहा है और इसका इंटरेस्ट भी रहा है इस चीज़ के लिए। जी जी, काफ़ी स्कूल वाले क्या कुछ मदद दे पा रहे हैं इस पर? स्कूल में फैसिलिटी नहीं है फिलहाल इसके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमने सोचा है कि स्कूल में नहीं है तो बाहर ही कुछ कराया जाए इसके। क्योंकि आमतौर पर लड़कियाँ जो होती है कबड्डी खो खो बहुत अधिक हुआ, बैडमिंटन क्रिकेट तक आ जाती है, बॉक्सिंग चुनना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। क्या सोच के उसने चुना? तो सर क्या है कि इसमें अच्छा भविष्य दिख रहा है मुझे, बच्ची के हिसाब से, उसके फिजिक्स के हिसाब से, कि उसके हाइट के हिसाब से जो आगे अच्छा ग्रोथ करेगी। और जो अभी उस वेट कैटेगरी में आ रही है जी, इस वेट कैटेगरी में बच्चियाँ कभी मिलती है नॉर्मली, चलने के लिए अच्छा स्कोप है इसमें और उसका इंटरेस्ट भी है सबसे बड़ी बात। चलिए, इंटरेस्ट है और एक पेरेंट्स अभी और है जो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही इसमें मुक्केबाजी में लगन में है। सर आपका नाम बताइए पहले तो। घनश्याम चौधरी। घनश्याम चौधरी जी, आपकी बेटी है, पोती है, कौन है? मेरे बेटे का बेटा है, पोता। अच्छा, आप जी आपका पोता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से दो दादा हैं और एक पिता है, तो क्योंकि दादा अनुभवी होते हैं और आपने तो एक ज़माना देखा है खेल कूद का, बॉक्सिंग में ही क्यों आपका पोता आया है? उसके पीछे एक तो बहुत ही सामान्य कारण है कि हम लोग किसान परिवार से, तो हमारी जो कद काठी होती है मजबूत होती है। जी जी। और दूसरा जो मुख्य कारण है ये है कि खेलों की प्रकृति जी, वो ये है कि यदि हमें बच्चे की जैसी रुचि शुरुआत में क्रिकेट में थी जी, पर क्रिकेट में जब तक पूरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, सही खेल नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। परंतु ये चूंकि व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल गेम है, तो इसमें अपने अकेले के प्रयास ही काफी होते हैं। आपकी काबिलियत ही आपको उत्कर्ष में पहुंचा सकती है। हाँ, तो अकेले जब आप अपना प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है इसलिए।